दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे 2023 के महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखिए भारत सरकार के द्वारा जिन भी देशों में जो भी ऑपरेशन चलाए गए क्यों चलाए गए कब चलाए उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे भाई इंपोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बिल्कुल ईजी ट्रिक होगी ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे पहले क्वेश्चन भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया अगर आपने चुना ऑप्शन सी सुडान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है देखिए भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया चलाया गया सुडान में चलाया गया सूडान 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 में में देखिए के कारण भारत सरकार ने सुडान से सैकुशल अपने नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया ऑपरेशन कावेरी में भारतीय वायुसेना के सी वन थ्री जीरो जे एयरक्राफ्ट और नौसेना के आई एन सुमेद ने हिस्सा लिया ट्रिक से याद करेंगे ऑपरेशन कौन सा है ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर चलाया गया सुडान में चलाया गया अब कावेरी का हो गया कोलावेरी डी अब पड़ोस का एक बंदा है एक ही गाना चलाया जा रहा है और रात के दो बज गए ना सोरा ना किसी को सोने दे रहा कौन सा गाना चला रहा है कोलावेरी कोलावेरी डी कावेरी डी कोलावेरी डी तो हम सब इकट्ठे होके गए भाई साहब इसे बंद कर लो बंद कर लो उसने बंद नहीं किया उल्टा बोला मैसू डॉन सुडान मैसू डॉन गाना तो भाई यो बजेगा कोलावेरी कोलावेरी डी हम चुप कैसे आगे भाई तो ऑपरेशन कावेरी यानी कि कोलावेरी डी कौन बजाएगा? जो डॉन होगा सुडॉन यानी कि सुडान नेक्स्ट भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन करुणा चलाया गया ऑपरेशन बी म्यांमार में ऑपरेशन करुणा चलाया गया अब म्यांमार मां की मार में भी करुणा है भाई अगर मां मारे ना पिट लो क्यों क्योंकि मां की मार में भी करुणा है मां इतना प्यार करती है मारेगी ना तो भी करुणा उस मार से। मार मा की मार में भी करुणा है, है भारतीय नौसेना ने चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था भारतीय नौसेना के आईएनएस शिवालिक आईएनएस एन और आईएनएस सावित्री ने हिस्सा लिया भाई वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दिल में कोई बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा नेक्स्ट भारत सरकार के द्वारा किस देश में ऑपरेशन गंगा चलाया गया ऑप्शन ए यूक्रेन में रूस यूक्रेन का जो युद्ध चला था तो उसमें भारत सरकार ने अपने छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन से ऑपरेशन लॉन्च किया ऑपरेशन गंगा अब गंगा से हो गया गंगा नदी भाई पवित्र नदी है भारत की नदी है गंगा नदी तो गंगा नदी की सफाई करने के लिए सुझाव मांगे गए भाई सुझाव दो सुझाव दो सभी ने सुझाव दिया यूक्रेन क्रेन से साफ करो क्रेन से साफ करो यूक्रेन से साफ करो हाथों से साफ नहीं होगी गंगा नदी गंगा नदी के लिए यूक्रेन क्रेन लाओ जी क्रेन से साफ करो गंगा नदी तब साफ होगी देखिए भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया यूक्रेन में नेक्स्ट भारत सरकार ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था ऑप्शन बी तुर्की की मदद के लिए लॉन्च किया था भाई लेकिन तुर्की भाई दोस्त नहीं निकला वो तो गद्दार निकला फिर भी भारत की बगल में छुरा घोपने को है तुर्की के अंदर भयंकर भूकंप आया था बहुत तबाही हुई थी तो भारत सरकार ने मदद के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया ऑपरेशन दोस्त दोस्त की तरह हाथ बढ़ाया तुर्की को लेकिन तुर्की वो ही बेहुद्दी बात करता है कश्मीर पे, तो भाई तुर्की ने दोस्ती नहीं निभाई तुर्की दोस्त के लायक नहीं है तू की तू की तू मेरा दोस्त नहीं है भाई भारत सरकार ने तुर्की में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था नेक्स्ट भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में चलाया ऑप्शन सी अफगानिस्तान में चलाया भाई कौन सा ऑपरेशन ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार ने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया अब भाई जगह भी ऐसी है अफगानिस्तान तालिबान तो वहां पर तो देवी माँ शक्ति देगी ना तभी कामयाब हो सकता है चाहे कोई भी हो चाहे सुनील शेट्टी हो अगर सुनील शेट्टी भी जाएंगे तो क्या कहेंगे ए, दे, ए, देवी दे, तो भाई अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए देवी माँ से शक्ति लेनी पड़ेगी ऑपरेशन देवी शक्ति नेक्स्ट भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन वनीला चलाया गया ऑप्शन ए मेडागास्कर देखिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला कहां चलाया मेडागास्कर में भारतीय नौसेना ने चक्रवात डायने से मेडागास्कर को हुए नुकसान में मदद करने के लिए ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया ट्रिक से याद करेंगे वनीला से याद आता है वनीला आइसक्रीम वनीला फ्लेवर वनीला आइसक्रीम बहुत ही फेवरेट है भाई मेरी और उसके लिए अगर मेरे पास पैसे भी ना हो ना मैडा मैं गाकर पैसे इकट्ठे कर लूंगा मैडा मैं गाकर पैसे इकट्ठे कर लूंगा लेकिन वनीला आइसक्रीम दिन में एक जरूर खाऊंगा पैसे नहीं है नो प्रॉब्लम मैडा मैं गाकर पैसे इकट्ठे करूंगा लेकिन वनीला आइसक्रीम जरूर खाऊंगा नेक्स्ट भारतीय वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन बंदर चलाया गया बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन डी पाकिस्तान में चलाया गया देखिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस किया इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर याद करना बिल्कुल लीजिए है हमारी एयरफोर्स गई पाकिस्तान में घुसी आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस किया लेकिन पाकिस्तानी फोर्स बंदर बनकर देखती रही वो बंदर बनी रही बंदर थी बंदर ही बनी रही उसे पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ नेक्स्ट भारतीय सेना के द्वारा पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रसीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था ऑप्शन डी ऑपरेशन 25 फाइव यहां बात हो रही है पुलवामा यानी कि पुलाव कितने रुपए की प्लेट है भाई 25 की है और भरपेट मिलेगा एक बार में ही पेट भर जाएगा भाई पुलवामा पुलाव कितने की प्लेट है बस आपने याद रखना है पच्चीस रुपए की ऑपरेशन ट्वेंटी फाइव पुलवामा के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए चलाया गया नेक्स्ट ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा शुरू किया गया ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अब देखिए क्यों शुरू किया गया क्या उद्देश्य था रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया अब सीधी सी बात है भाई अगर टाइम पर रेल टिकट उपलब्ध होगी ना तो काला बाजारी अपने आप खत्म हो जाएगी ना जाते हैं काउंटर पे दस काउंटर होते हैं एक पे टिकट मिल रही होती है लाइन इतनी लंबी लग जाती है तो कालाबाजारी होगी भाई आप टिकट टाइम पर उपलब्ध कराइए काला बाजारी अपने आप ना बंद हो जाएगी नेक्स्ट ऑपरेशन आहार्ट किसके द्वारा शुरू किया गया ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन आहट इसका उद्देश्य क्या है देखिए रेलवे के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की तस्करी होती है उसे रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है अब क्या करेंगे भाई प्रॉपर चेक करना है बोरों को बक्सों को थोड़ी सी भी आहट सुनाई देना बोरे से बक्से से तो ये समझो उसके अंदर या तो बच्चा है या महिला और उसकी तस्करी हो रही है उसे पकड़ लो जरा सी आहट सुनाई देना बोरे में या बक्से में समझो तस्करी हो रही है उसे पकड़ लो चेक करो नेक्स्ट मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया ऑप्शन डी भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है मिशन अमानत उद्देश्य भारतीय रेलवे में यात्रा करने के दौरान यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने और उन्हें वापस सही सलामत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत लॉन्च किया है अब कई बार क्या होता है हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं कोई बैग छूट गया गलती से भूल गया किसी ने चुरा लिया तो उसके अंदर जो हमारी अमानत होती है ना भाई अगर दस रुपये भी है तो आपकी अमानत है वो अमानत आपको वापिस दिलाने के लिए भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत शुरू किया नेक्स्ट ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा शुरू किया गया है ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन नार्कोस क्यों रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अब यह चीजें इतनी आसानी से नहीं होती है टाइम लगता है बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ता है सचेत होना पड़ता है तो अगर यह काम नहीं कर पा रही है रेलवे सुरक्षा बल तो वो नारकोस नाकोसे अपने आप को एक दूसरे को नाकोसे क्यों क्योंकि इसमें समय लगेगा भाई ये पूरा इनका नेटवर्क खत्म करने में समय लगेगा तो आपस में एक दूसरे को नार्कोस नाकोसो सफलता जरूर मिलेगी आपको नेक्स्ट ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा शुरू किया गया ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया है ऑपरेशन सतर्क का उद्देश्य ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए रुक जाएगी बस रेलवे सुरक्षा बल को थोड़ा सतर्क रहना है सतर्क रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रुक जाएगी कुछ नहीं करना रेलवे सुरक्षा बल को सतर्क रहना है ऑपरेशन सतर्क को सुचारू रूप से जारी रखना है नेक्स्ट ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया उद्देश्य उत्तराखंड चार धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों में करने करने वाले और नसा करने वाले और नशा यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यात्री सब बराबर नहीं है लेकिन कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो हुदंग करते हैं नशा करते हैं गाली गलौज करते हैं बदमाशी करते हैं तो उन पर नकेल कसने के लिए उनको उनकी मर्यादा में रखने के लिए उनको उनकी मर्यादा बताने के लिए उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसे नाम दिया गया मर्यादा अपनी मर्यादा में रहो भाई नेक्स्ट ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा शुरू किया गया है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में भांग की खेती व आपूर्ति को समाप्त करना और यह समाप्त होते ही आंध्र प्रदेश में परिवर्तन हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा कहां पर आंध्र प्रदेश में भाई भांग खत्म होगी नशा खत्म हो गया आपूर्ति खत्म हो गई तो हम परिवर्तित हो जाएंगे परिवर्तन हो जाएगा अच्छे की तरफ चले जाएंगे अच्छाई की तरफ जाएंगे ऑपरेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के द्वारा आतंकवादियों व गैंगस्टर के ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए आठ राज्यों में चलाया गया ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों की तलाश करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करवाने के लिए शुरू किया गया वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक चाहिए कॉमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा